तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये मल्टीवर्स क्या होता है और ये क्यों अभी अभी है ना ज्यादा करके सब पिक्चर में आ रहा है, और ये क्यों है ना हर टीवी शो में भी आ रहा है, हमारे इंडियन टीवी शो में आ रहा है मल्टीवर्स, और ये सिर्फ हमारे इंडियन टीवी शोज में नहीं फॉरेन के भी टीवी शोज में आ रहा है। ये एक्चुअली बहुत टाइम पहले से था मगर लोगों को अभी मालूम पड़ रहा है क्योंकि मूवीज में आ रहा है। कहते हैं ये मल्टीवर्स एक्चुअल में रियल है, हमारे जैसी बहुत सारी दुनिया है मल्टीवर्स जो एक्चुअल में हमारे से मिल सकती है या हम लोग से मिल सकते हैं, लेकिन आज तक हम लोग ने वो लूप ढूंढे नहीं है। मैं ये वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि मल्टीवर्स होता क्या है और क्यों हम क्या जा सकते उधर, और जा सकते तो कैसे जा सकते, और ये मूवीज़ वाले लोग अभी क्यों बताना चाह रहे क्या इन लोग को कुछ मिल गया है, क्योंकि आप लोग को मालूम होता है मूवीज़ में कभी कुछ आता है तो उसके पहले इन लोग को मालूम पड़ गया होता है तो लोग मूवीज़ में बताना चाहते होते हैं कि कभी आ जावे तो आप लोग का माइंड सेट रहे कि हाँ हम लोग ने ये मूवीज़ में देखे। तो मैं ये पूरी वीडियो में बताऊंगा, एक भी मिनट स्किप नहीं करना, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोग। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मल्टीवर्स की सबसे बेस्ट मूवी ये साल की थी और मतलब सबसे फेमस मूवी थी जिसकी वजह से लोगों को मालूम पड़ा है कि मल्टीवर्स होता है, वो है स्पाइडरमैन नो वे होम। उसके अंदर बताया गया है कि कैसा मल्टीवर्स होता है, और मल्टीवर्स में ना हमारे जैसे अलग अलग लोग रहते हैं जो हमारे जैसे दिखते नहीं है लेकिन हमारी मदद करने आ सकते हैं, और बहुत चीज़ें रहती है अलग अलग। जैसा हमारा कोई विलन है, हमारा कोई एनिमी है जो हमारा कंपटीशन है, तो वो भी वहाँ पर रहेगा मल्टीवर्स में, वो दूसरा दिखेगा। अभी समझ जाओ एक कंपटीशन से तो मैं लड़ ही रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसको हराने की कर रहा हूँ, या वो मेरे को हराने की कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है। अभी सोचो मल्टीवर्स में से उन लोग भी आ जाएंगे, वही विलन जो मेरे को सोच बर्बाद करने पर तुले, तो उन लोग अगर ऐसे आ जाएंगे तो कितने सारे हो जाएंगे, मैं एक से ही नहीं निपट पा रहा हूँ तो उन लोग से कैसा निपट पाऊंगा। तो ये मल्टीवर्स होता है। मल्टीवर्स में ना एक्चुअली हमारे जैसी सब डिट्टो सब चीज़ें सेम रहती है, हम भी रहते हैं लेकिन हमारा रूप नहीं रहता, कोई और रहता है। फुरकान एबानी रहेगा मगर फुरकान एबानी का चेहरा और बॉडी नहीं रहेगी, फुरकान एबानी कोई और रहेगा, वही घर में रुकेगा, वही चीज़ करता रहेगा, यूट्यूबर रहेगा, वही चीज़ें जो वीडियोज़ बनाता है वही बनाता रहेगा, लेकिन ये फुरकान एबानी दूसरा रहेगा। तो ये मल्टीवर्स है, और मल्टीवर्स एक्चुअली है ना ऐसा बहुत ज़्यादा अभी बहुत फेमस हो रहा है। रिवरडेल टीवी शो में आ गया, स्पाइडरमैन मूवीज़ में आ गया, मार्वल्स के तो हर चीज़ में आ रहा है क्योंकि मार्वल्स का फेज ही है मल्टीवर्स। पहले लोग ने लोकी टीवी शो में बताया, फिर उसके बाद लोकी के बाद दूसरे दूसरे टीवी शोज में बताया, बहुत सारे टीवी शोज में बताया, और प्लस इन लोग ने कॉमिक बुक में बहुत टाइम पहले ही बता दिए थे मल्टीवर्स है, और ये एक्चुअल में है। मैं आप लोग को प्रूफ के साथ कुछ बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, सेकंड पार्ट देखो इसका। अभी है ना बहुत टाइम पहले और हमेशा बोलता हूँ कि साइंटिस्ट लोग ने पैरेलल यूनिवर्स ढूंढ लिए जिसके अंदर टाइम पीछे जाता है। ये एक्चुअली न्यूज़ पे भी आ गया है, आप आर्टिकल्स देख रहे होंगे या कोई गिव्स देख रहे होंगे, तो एक्चुअल में ये 100% रियल है। अभी जो लोग पैरेलल यूनिवर्स ढूंढे वो एक्चुअली एक मल्टीवर्स ही है। अभी हम उसके अंदर कैसा जा सकते हैं, ये लाइटनिंग ईयर्स दूर रहता है, मतलब इतना दूर रहता है कि आप जब तक उधर जाएंगे ना आप बूढ़े होके मर गएगे, आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी तो आप जा ही नहीं पाएंगे वहाँ पर, वो पॉसिबल नहीं है। अभी हम पॉसिबल कैसा कर सकते जब इलॉन मस्क का न्यूरोलिंक आएगा, न्यूरोलिंक हम लोग को डायरेक्ट वहाँ पर कोई बॉडी में डाल देगा। एवेटार मूवी देखे हो, अगर किसी ने एवेटार मूवी देखा है तो उसके अंदर आपको मालूम होगा कि उन लोग लेटते और फिर लोग दूसरी बॉडी में आ जाते, जो एवेटार वाले लोग रहते ब्लू कलर के, ऐसा लाइट लाइट रहता है, आपको गिफ्ट डाल रहूँगा, तो वो कैसा उन लोग आ जाते हैं वो बॉडी के अंदर, वैसे हमारा न्यूरो लिंक होएगा जो हम ऐसा सोएंगे हम दूसरी यूनिवर्स में आ जाएंगे। ये ऐसा उन लोग करने वाले हैं, अभी मालूम नहीं 100% होएगा या नहीं होएगा, इलॉन मस्क है तो वो तो कुछ तो करेगा ही, तो ऐसा हमारा मल्टीवर्स खुल सकता है। अभी कहते हैं कि मल्टीवर्स इतना डेंजरस होने वाला है कि अगर गलती से, अभी समझ जाओ मेरे वर्स में मेरा जो मैं बोला कॉम्पिटिटर है, जैसा वो कॉम्पिटिटर समझ जाओ चला गया दूसरे मल्टीवर्स में, तो मेरे को टेंशन नहीं है, मेरे इधर तो कोई भी नहीं रहेगा, मैं अकेला रहूँगा, अभी मैं कॉम्पिटिटर भी नहीं, मैं तो इन्जॉय करूँगा लाइफ। मगर जो दूसरे यूनिवर्स में चला गया उसके पास दो दो कॉम्पिटिटर हो जाएंगे, एक को नहीं संभाल सकते, दो को कैसा संभालेंगे, वाट लग जाएगी हमारी। और गलती से हम अगर कोई दूसरे यूनिवर्स में चले गए, मल्टीवर्स खुल गया, हम गिर गए, कुछ भी हो गया पॉसिबिलिटी, तो हम लोग के उधर वहाँ पर पूरी फैमिली चेंज हो जाएगी, हमें पहचाने की नहीं, अरे तुम फुरकान हो तो ये कौन है, हम बताएंगे कि तुम ही हो मेरी मम्मी, तुम ही हो मेरे डैडी, मगर उन लोग पहचान ही नहीं पाएंगे। हमारा घर भी सेम रहेगा, हम रह गए किधर, उधर करेंसी चेंज होगी, हमारी इंडियन रुपीज़ नहीं चलेगी, कुछ और चलता आएगा, डॉलर्स चलता आएगा, ऐसे ऐसे रहेंगे कि समझ जाओ ना, एक तो ऐसा रहेगा कि समझ जाओ हमारे के सब ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे पहले, वही राज कर रहे होंगे, या ब्रिटिश में इंडियंस लोग राज कर रहे होंगे, तो ऐसे ऐसे यूनिवर्स रहते हैं। हमारी ये ना वर्ल्ड है ना जो, वो बहुत एक्सट्रीमली बड़ी है, मतलब इतनी सी आप सोच रहे होंगे हमारी दुनिया है,
हमारा वर्ल्ड अर्थ इतने इतने प्लैनेट्स रह गए, नहीं भाई हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते हम इतने से उसके अंदर, इतने से इतने से। तो सोचो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या नहीं हो सकता। आप लोग को बताऊंगा कि ये एक्चुअली है ना अभी मूवीज़ और टीवी शोज में आ रहा है क्योंकि मार्वल्स अभी ना टॉप लीडिंग है सब जगह पे। मार्वल्स जो करता है वही सब लोग करते, ये एक्चुअली बहुत साल पहले ही आ गया था क्योंकि ये मल्टीवर्स की जो थियोरीज है वो सब रियल है। तो ये ना ये बहुत साल पहले कॉमिक बुक्स में आ गया था जब स्टैनली बनाता था। अभी है ना स्टैनली कैसे है मालूम है, वो कॉमिक्स में तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिया था लेकिन जब मूवीज़ लॉन्च करने गया तो उसकी मूवीज़ चलती ही नहीं थी। पहले हल्क मूवी निकाला, उसके बाद वो फ्लॉप हो गई, तो दूसरी निकाला, तीसरी निकाला, ऐसा निकालते गया, फ्लॉप होती गई उसकी मूवीज़। अभी है ना जो डीसी वाले थे वो लोग बहुत ज़्यादा अमेजिंग मूवीज़ निकालते थे, सुपरमैन बैटमैन उन लोग की बहुत ज़्यादा चलती थी, मतलब आईएमडीबी पे आज भी टॉप है बैटमैन मूवी। तो जैसे ये होने लगा ना तो अभी लोग एकदम बर्बाद हो गए थे, तो इन लोग ने अपना स्पाइडरमैन बेच डाले सोनी को पैसे के लिए कि भाई तू सोनी के राइट्स रख, तो स्पाइडरमैन के राइट्स रख ले सोनी, हम लोग पैसा देते, तो पैसा दे दिया। अब इन लोग ने ना आयरन मैन लॉन्च किया, आयरन मैन सुपर हिट हो गए, उसके बाद हर मूवी इन लोग की सुपर हिट हो गई, डीसी को इन लोग ने पीछे छोड़ दिया, इतना सुपर हिट हो गए इन लोग। अब इन लोग के पास क्या एक चीज़ थी कि स्पाइडरमैन को वापस लेना है, सोनी को बोले, सोनी बोला नहीं हम नहीं देंगे स्पाइडरमैन, हमारा हमारी अच्छी स्पाइडरमैन चल रही है। तो लोग ने बहुत ज़्यादा फोर्स किए, तो लोग ने बोले कि भाई अगर तुम लोग मल्टीवर्स करते हो और सोनी के स्पाइडरमैन और मार्वल्स के स्पाइडरमैन को एक साथ मिलाते हो, तो सोनी बोला अपन कुछ पार्टनरशिप करके दोनों को साथ में रख सकते, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सोनी के स्पाइडरमैन और मार्वल्स के स्पाइडरमैन एक साथ आ गए। और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, एक्समैन और जितने भी मल्टीवर्स के आने वाले वो सब एक साथ हो गए, डेडपूल वुल्वरीन स्पाइडरमैन सब एक साथ रह गए, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपको कोई मैसेज कर रहा है मेरे को भागा। तो यही होता है, ये मल्टीवर्स आपको सिर्फ फिक्शनल लग रहा है मगर ये फिक्शनल नहीं, 100% ट्रुथ है, ये होता है। आप अगर मैनिफेस्ट करेंगे ना आप में तो ये 100% होता है। CIA के डॉक्यूमेंट्स में भी है कि ये होता है। अरे CIA के डॉक्यूमेंट छोड़ो, नासा ने खुद बोल दिया हम लोग ने पैरेलल यूनिवर्स ढूंढ लिया। पैरेलल यूनिवर्स है क्या, इसका अलग वर्ड है जो ये मैं बोल रहा हूँ, मल्टीवर्स क्या बोल रहा हूँ वही एक्चुअली पैरेलल यूनिवर्स है, दूसरा वर्ड्स है, अलग अलग वर्ड्स होते हैं। तो अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो आपको नेक्स्ट क्या देखना है। आप जो भी बोलेंगे मैं करूँगा, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रमोशंस आ रहे हैं तो मैं बोला कि थोड़ा रुक जाओ, प्रमोशंस बाद में करता जनवरी से। अगर आपको भी कोई प्रमोशन देना है तो आप नीचे मेरे ईमेल पे जाके प्रमोशंस के लिए मैसेज भेज सकते हो, मैं प्रमोशन कर दूंगा। बहुत जान बोलते फुरकान भाई हमारा प्रमोशन कर दो, हम पैसा देगा, हम ये करेगा। अरे तो देगा तो आप ईमेल भेजो, प्रोफेशनल ईमेल भेजो मेरे ईमेल एड्रेस पे कि हम लोग इतना पैसा देंगे इतना प्रमोशन के लिए, तो मेरा मैनेजर्स लोग और जो भी है वो लोग देखेंगे और आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आप सूटेबल रहेंगे तो आपको 100% प्रमोशन मिलेगा, अगर आप सूटेबल नहीं रहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। और आप लोग बोलते हैं ना फुरकान भाई शाउट आउट दे दो, हमको भी आपकी तरह फेमस होना है। मैंने किसी से शाउट आउट नहीं मांगा, मैंने मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, 8 साल तक यूट्यूब वीडियोस बनाए, ये साल मेरा थोड़ा हिट हुआ, थोड़ा वो भी ज़्यादा भी नहीं, फिर भी मेरे को थोड़ा मिल गया। तो मैं ऐसा थोड़ी होता है कि आप लोग भी मेहनत करो, होएगे नीचे अमेजोन की लिंक दिया हूँगा, आप जाके बाय करो, आपका रिंग लाइट करो, आईफोन करो, माइक करो और आप भी यूट्यूब वीडियोज़ बनाना चालू करो। पहले ही बोल रहा हूँ शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, बनाना चालू करो आप फेमस हो जाएगी 100%। इन्जॉय करो और मल्टीवर्स में जाने के लिए कुछ प्लानिंग करते हो।